सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम इचिको नाम के बच्चे को देख पाते हैं, जो बारिश में अपनी माँ के साथ अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन तभी उसे नदी के किनारे पर एक लड़की दिखाई देती है, तो इचिको बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने चला जाता है। लेकिन वो लड़की जैसे इचिको को देखती है तो इचिको बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपने मॉम की लाश पाता है। असल में इचिको ने जिस लड़की को देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डार्क स्पिरिट थी। दरअसल इचिको के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो किसी भी आत्मा को देख सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब इचिको 15 साल का हो गया है और उसकी लाइफ में आत्माओं को देखना बहुत ही आम बात है। इचिको अपने स्कूल से वापिस आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में पहले से एक लड़की है। जब उस लड़की को पता चलता है कि इचिको उसे देख सकता है तो उसे इचिको की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो लड़की अपना नाम रुकिया बताती है और वो इचिको को ये भी बताती है कि वो कोई स्पिरिट नहीं बल्कि खुद एक स्पिरिट हंटर है। वो अपने डिवाइस के जरिए आसपास के इविल स्पिरिट को पता करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक बहुत भयानक स्पिरिट उसकी तरफ बढ़ रही है। इचिको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे भागता है, लेकिन तभी दीवार को तोड़ता हुआ एक जाइंट हैंड बाहर आता है और इचिको की छोटी बहन को पकड़ लेता है। जब इचिको अपनी बहन को बचाने बाहर जाता है तो वो अपने सामने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को देख पाता है। वो मॉन्स्टर इचिको को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रुकिया उसे धक्का दे देती है जिससे उसका जान बच जाता है। इसके बाद रुकिया उस मॉन्स्टर पर हमला करती है जिससे वो मॉन्स्टर इचिको की बहन को छोड़ देता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से में आ गया था और वो अपने टेंटिकल से रुकिया को पकड़ लेता है और उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो रुकिया अपनी पूरी एनर्जी से उस पर हमला करती है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब रुकिया भी बहुत जख्मी हो गई थी। वो इचिको को बताती है कि उसके पास भी सोल एनर्जी की पावर्स है और अगर वो चाहे तो वो अपनी पावर से इस मॉन्स्टर का खात्मा कर सकता है। इसके बाद रुकिया अपनी तलवार को इचिको के सीने के पार कर देती है, जिससे रुकिया की सारी एनर्जी इचिको की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और अब इचिको एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। अगली सुबह जब इचिको की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, जिससे उसे लगता है कि उसने शायद कोई सपना देखा होगा। लेकिन जब वो अपने घर के टूटी दीवार को देखता है तो उसे सारी बात याद आ जाती है, लेकिन उसके सिस्टर सहित उसकी पूरी फैमिली को कल रात की कोई भी बात नहीं याद थी। इसके बाद इचिको अपने स्कूल चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट से होती है जो और कोई नहीं बल्कि रुकिया ही थी। रुकिया उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाती है और उसे अपनी सोल एनर्जी वापस मांगती है। वो इचिको को तलवार से खुद को स्टैब करती है, लेकिन उसकी पावर्स उसे वापस नहीं मिलती क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ते टाइम इचिको ने रुकिया की आधी से ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तब रुकिया उसे बताती है कि अब उसकी गैर मौजूदगी में उसे ही डार्क स्पिरिट्स को मारना होगा, लेकिन इचिको उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। रात में जब वो अपना कवर चेक करता है तो उसे वहां पर रुकिया मिलती है। रुकिया उसे कहती है कि जब तक उसे उसकी पावर्स नहीं मिल जाती तब तक वो अपने घर वापस नहीं जा सकती, और अब ना चाहते हुए भी इचिको को रुकिया की मदद करनी पड़ती है। इसके बाद रुकिया इचिको की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। इधर हम सोल वर्ल्ड को देख पाते हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट अपने चीफ को बताता है कि रुकिया ने अपनी पूरी पावर्स को खो दिया है। तब चीफ लेफ्टिनेंट से कहता है, तुम इंसानों की दुनिया में जाओ और रुकिया को किसी भी हालत में सोल वर्ल्ड में वापस ले आओ, चाहे उसके लिए उन्हें उस इंसान को मारना ही पड़े। इसके बाद हम इचिको को देख पाते हैं जो अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने लेफ्टिनेंट आ जाता है और उसे रुकिया के बारे में पूछता है। लेकिन इचिको तो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो रुकिया के बारे में जानता ही ना हो, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट उस पर हमला कर देता है। लेकिन कोई अनजान शक्ति इचिको को बचा लेती है और मौका पाते ही इचिको वहां से भाग जाता है। घर आकर वो सारी बात रुकिया को बताता है, तो रुकिया उसे बताती है कि वो लोग मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में इचिको के पास एक नया लड़का आता है। वो उसे बताता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसी शक्तियां हैं, और वो दोनों बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं और इचिदा अपनी पावर से एक धनुष बनाता है
और हमें ये भी पता चलता है कि रात में इच्डा ने ही इच्को की जान बचाई थी। वो इच्को को बताता है कि बरसों पहले सोल वर्ल्ड वालों ने मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया था, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों उन्हें हरा कर उन पर राज करेंगे। लेकिन इच्को उसके ऑफर को ठुकरा देता है, तो इच्डा उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी धमकियों से इच्को पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब इच्डा एक एक को तोड़कर आसमान में फेंक देता है, जिसकी स्मेल से सभी डार्क स्पिरिट जाग जाते हैं। इच्को अपनी असल फॉर्म में आ जाता है और वो देखता है कि एक जायंट स्पाइडर एक बच्चे का पीछा कर रहा है। वो उसे बचाने के लिए स्पाइडर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट भी आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो इच्को को भी मारने वाला था, लेकिन रुकिया उसके बीच में आ जाती है। लेफ्टिनेंट को इस बात से बहुत हैरानी होती है कि रुकिया ने अपनी पावर्स एक इंसान को देकर सोल वर्ल्ड के सभी नियम को तोड़ दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका चीफ भी आ जाता है, जो कि असल में रुकिया का भाई था। वो उसे सोल वर्ल्ड में वापस चलने को बोलता है, लेकिन तब रुकिया उसे बताती है कि उसकी शक्तियाँ जा चुकी है और वो इच्को के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्क किंग को हरा सकते हैं। चीफ उसकी बात मान लेता है और उसे पूर्णिमा तक का समय देता है। इसके बाद चीफ और लेफ्टिनेंट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रुकिया देखती है कि इच्को बहुत ही कमजोर हो गया है और वो कभी भी डार्क किंग को नहीं हरा सकता। इसके बाद रुकिया अपने भाई से मदद मांगती है और इच्को की मदद करने को बोलती है, लेकिन तब तक इच्को भी वहाँ पर आ जाता है और वो रुकिया से प्रॉमिस करता है कि वो अकेले ही उनके सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर देगा। इसके बाद इच्को की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और अब इच्को अपनी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता है और जल्द ही अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लेता है। रुकिया उसे ये भी बताती है कि जब बचपन में वो नदी के पास उस बच्ची की मदद करने गया था, तब डार्क किंग ने ही उसकी माँ को जान से मार दिया था। इस बात को जानने के बाद इच्को बहुत दुखी होता है और अपनी मॉम की कब्र पर चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर किसी डार्क स्पिरिट की आहट होती है और रुकिया उसके सोल को बाहर निकाल देती है। और देखते ही देखते उनके सामने डार्क किंग आ जाता है, जो कि बहुत ही भयानक था, और उसके साथ वो बच्ची भी थी जिसको इच्को ने बचपन में देखा था। इच्को अपनी तलवार से उस पर अनगिनत वार करता है और उसके दिल तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसकी मॉम दिखाई देती हैं। असल में डार्क किंग लोगों के इमोशन को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तभी रुकिया उसे होश में लाती है। लेकिन अब डार्क किंग इच्को पर हमला कर देता है और अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है। वो दोनों लड़ते हुए शहर में आ जाते हैं। डार्क किंग इच्को को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक तीर लगता है जो कि इच्डा ने चलाया था। इसके बाद वो दोनों एक एक करके डार्क किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात से वो मॉन्स्टर और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर से इच्को को दूर फेंक देता है और अपने डेंटिकल से उसे पकड़ लेता है। इधर इच्डा सीधे एक तीर को डार्क किंग की आंख में मारता है, जिससे वो और भी गुस्से में आ जाता है और बस को दो टुकड़े में तोड़ देता है। लेकिन उसी का फायदा उठाकर इच्को सीधे अपनी तलवार को उसके सिर में गाड़ देता है, जिससे डार्क किंग का खात्मा हो जाता है। इसके बाद रुकिया इच्को की तलवार से खुद को स्टैब करती है, जिससे उसकी पावर वापस मिल जाती है और वो अपने भाई के साथ सोल वर्ल्ड में चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज